आज के सेशन में हम सीखेंगे वर्डप्रेस पर आप अपनी वेबसाइट किस तरह से बना सकते हो। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं वर्डप्रेस क्यों, तो वर्डप्रेस के कुछ एडवांटेज के बारे में देख लेते हैं। पहली बात तो वर्डप्रेस फ्री है। दूसरा, ज़्यादातर लोग वर्डप्रेस यूज़ करते हैं क्योंकि वो बहुत ही आसान है। तीसरी चीज़, वर्डप्रेस का उपयोग आप ब्लॉग बनाने के लिए भी कर सकते हो, आपकी पर्सनल वेबसाइट बनाने के लिए भी कर सकते हो और आपके बिजनेस वेबसाइट बनाने के लिए भी कर सकते हो। और उससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वर्डप्रेस की थीम्स, यानी जो डिज़ाइंस आपको रेडीमेड अवेलेबल मिलती है। जैसे कि अगर आप चेक कर ले themeforest.net करके एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको वर्डप्रेस के बहुत ही ज़्यादातर यानी आपको अच्छी खासी डिज़ाइंस यहाँ पे आपको वर्डप्रेस की अलग अलग कैटेगरी में मिल जाएंगी। जैसे कि कॉर्पोरेट कैटेगरी में अगर हम देखें तो आपको बहुत सारे डिज़ाइन टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जो आप अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हो। वर्डप्रेस के ऊपर आप ई कॉमर्स वेबसाइट भी बना सकते हो और वर्डप्रेस का यूज़ करके आप पर्सनल वेबसाइट भी बना सकते हो, वर्डप्रेस का यूज़ करके आप बिजनेस वेबसाइट भी बना सकते हो। तो इसके लिए वर्डप्रेस बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो बहुत सारी थीम्स अवेलेबल है, फ्री है, पेड थीम्स अवेलेबल है, जिसकी वजह से लोग ज़्यादातर वर्डप्रेस का यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट क्रिएट करने के लिए। तो थीम फॉरेस्ट पे अगर आपने जैसे देखा कि यहाँ पे बहुत सारे थीम्स अवेलेबल है, इसी तरह से और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वर्डप्रेस की है जो है एलिमेंटर पेज बिल्डर प्लगइन। अब थोड़ा सा जिनको एलिमेंटर के बारे में पता नहीं है कि एलिमेंटर क्या होता है या पेज बिल्डर क्या होता है, तो टिपिकली होता क्या है कि जब हम वर्डप्रेस का यूज़ करते हैं या यहाँ पर रेडीमेड थीम यूज़ करते हैं तो हम लिमिटेड हो जाते हैं वर्डप्रेस की थीम की डिज़ाइन को यूज़ करने के लिए। लेकिन एलिमेंटर करके एक पेज बिल्डर है, एक प्लगइन है जो आप वर्डप्रेस पे इंस्टॉल कर सकते हो और उसके द्वारा आप साइट्स क्रिएट कर सकते हो। तो आज के ट्यूटोरियल में हम वही देखने वाले हैं कि किस तरह से हम वर्डप्रेस पे एलिमेंटर को इंस्टॉल करेंगे और वहाँ से वेबसाइट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ आपको करनी है, आपको लॉगिन कर लेना है आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। जैसे आप देख सकते हो कि मैंने एक नया डोमेन क्रिएट किया हुआ है जिसके ऊपर मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल करके रखा है और इस वक्त मैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे लॉगिन करके रेडी हूँ। तो अपीयरेंस में मुझे जाना होगा और थीम में जाके मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक आस्त्रा करके एक थीम इंस्टॉल करके रखी है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि थीम को अनइंस्टॉल कैसे करेंगे और रीइंस्टॉल कैसे करेंगे। तो एक बार मैं यहाँ के जो डिफ़ॉल्ट थीम थी 2019, इसे मैंने एक्टिवेट कर दी। अब आस्त्रा वाली जो थीम है इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। मैं आस्त्रा इसलिए यूज़ करता हूँ कि ये जो थीम है ये स्पेसिफिकली वर्डप्रेस के लिए बनाई हुई है और वर्डप्रेस के साथ में ये जो थीम है ये एलिमेंटर के लिए बनाई गई है और एलिमेंटर के साथ में अच्छी खासी कंपेटिबल है। तो चलिए देखते हैं कि थीम कैसे इंस्टॉल करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, अपीयरेंस में जाकर ऐड न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना ASTRA। तो आपको यहाँ पे आस्त्रा करके एक थीम दिखेगी जिसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ये थीम इंस्टॉल हो जाती है आपको यहाँ पर इसे एक्टिवेट कर देना है। मैं इसे एक्टिवेट कर देता हूँ। अब मेरी आस्त्रा थीम इंस्टॉल होके रेडी हो गई है। अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी प्लगइन्स की। तो प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए मैं पहले प्लगइन्स पर क्लिक करके ऐड न्यू पे जाऊँगा। यहाँ पर मुझे सर्च करना होगा एलिमेंटर पेज बिल्डर। एलिमेंटर पेज बिल्डर एक ऐसा प्लगइन है जिसका उपयोग करके आप लैंडिंग पेज बना सकते हो और आप अपने वेबसाइट के बाकी पेजेस बना सकते हो। ये ड्रैग एंड ड्रॉप पेज बिल्डर है जिससे आपको वेबसाइट बनाने के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो देखिए वर्डप्रेस पे एलिमेंटर प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है और उसे मैंने एक्टिवेट कर दिया। दो तीन चीज़ें हैं जो आपको एलिमेंटर के बारे में समझनी है। पहले तो एलिमेंटर फ्री है, इसका एक फ्री वर्जन आता है, एक प्रो वर्जन आता है। फ्री वर्जन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसका उपयोग करके आप एक बेसिक वेबसाइट बना लोगे। अगर आपको कुछ एडवांस चीज़ें, कुछ नए डिज़ाइंस, नए टेम्पलेट्स और एडिशनल टेम्पलेट्स चाहिए तो आपको
प्रो वर्शन लेना पड़ता है। तो मैंने जैसे आपने देखा कि एलिमेंटर मेरे वेबसाइट पे इस वक्त मैंने वर्डप्रेस पे इंस्टॉल कर दिया है, और एलिमेंटर की सेटिंग में जाकर मुझे कुछ बेसिक चीज़ें चेक कर लेनी है। सो आई एम ऑलमोस्ट डन विद द थिंग, यानी एलिमेंटर यहाँ पे मेरा रेडी हो चुका है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि पेज कैसे क्रिएट करते हैं एलिमेंटर में। तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना है ऐड न्यू पेज पर, और यहाँ पर मुझे ये एक डैशबोर्ड ओपन होगा। डैशबोर्ड में मैं यहाँ पर नया पेज क्रिएट करूँगा जिसे मैं टाइटल दे देता हूँ होम, और इसे मैं पब्लिश कर देता हूँ। अब इस पेज को मुझे डिज़ाइन करना है, तो इसलिए मुझे क्लिक करना होगा एडिट विद एलिमेंटर। जैसे मैं एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करता हूँ, मेरा एक एलिमेंटर का पेज बिल्डर शुरू हो जाएगा। ये है एलिमेंटर का पेज बिल्डर, ये आप पूरा देख रहे हो, ये एलिमेंटर का एक पेज बिल्डर है। और यहाँ पे मेरे पास दो आइकॉन है, यहाँ पे एक फोल्डर वाला आइकॉन है, यहाँ से मैं एक टेम्पलेट सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो मुझे यहाँ पे जो टेम्पलेट्स दिख रहे हैं उसमें से कोई भी एक प्रो वाला टेम्पलेट मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने इस वक्त तो फ्री वाला एलिमेंटर का प्लगइन इंस्टॉल करके रखा है। तो मैं यहाँ पे कोई एक फ्री टेम्पलेट चूज़ कर लेता हूँ। मान लो कि मैंने ये टेम्पलेट को चूज़ किया और मैं इंसर्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। इंसर्ट पे क्लिक करते ही मेरा वो जो टेम्पलेट था ये पूरा लोड होके इस तरह से मुझे दिखने लगेगा। तो देखा आपने ये कितना आसान हो गया एक पेज रेडी करना। मैं इसे बंद कर दिया और अपडेट कर देता हूँ, और अब मैं आ जाता हूँ वापस अपने डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर आने के लिए मुझे यहाँ पे क्लिक करना है और एग्जिट टू डैशबोर्ड करना है। तो अब देखिए मैंने एक पेज क्रिएट किया है होम, जिसका URL है https://www.digitalguruji.net/home। अब इसे मुझे मेरा होम पेज क्रिएट करना है। ये स्टेप आपको बहुत ही ध्यान से देखना, यहाँ पे ज़्यादातर लोग गलतियाँ कर देते हैं। तो मैं इसे होम पेज सेट करने के लिए सेटिंग पे क्लिक करूँगा, और उसके बाद में यहाँ पे मुझे रीडिंग पे क्लिक करना है। और यहाँ पर मुझे ये जो स्टैटिक पेज वाला रेडियो बटन है, यहाँ पे मैं क्लिक करके होम पेज में होम करके जो मैंने पेज बनाया था उसे मैं सिलेक्ट कर लूँगा। अब जब मैं अपने वेबसाइट को ओपन करूँगा digitalguruji.net, मैंने जो पेज बनाया था वो पेज आपको दिखने लगेगा। तो देखा दोस्तों कितना आसान है एलिमेंटर का यूज़ करके इस वेबसाइट को बनाना। अब इसमें और एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको दिखाऊंगा वो है, इससे ये जो पेज मैंने बनाया ये ऑलरेडी मोबाइल फ्रेंडली बाय डिफ़ॉल्ट बन जाता है। मोबाइल फ्रेंडली पेज मतलब जब मैं इसे व्यू करता हूँ, ये रहा पेज मेरा, और इंस्पेक्ट कर मैं इसे देखिए, तो ये मेरा पेज ऑलरेडी मोबाइल फ्रेंडली बन गया। तो मुझे अलग से कोई कोड नहीं लिखना पड़ता, इसीलिए एलिमेंटर बहुत ही पॉपुलर है, और इसके 3 मिलियन यानी 30 लाख से ज़्यादा इंस्टॉलेशन हो चुके हैं। अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी वेबसाइट पे एलिमेंटर प्लगइन का यूज़ करके वेबसाइट बनाना शुरू कर दिया है। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही है कि एलिमेंटर प्लगइन कैसे इंस्टॉल करना है और आपका एक फर्स्ट पेज कैसे क्रिएट करना है। आप खुद अपने डोमेन पे अगर आपने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कर लिया है तो एलिमेंटर इंस्टॉल कर लीजिए, और एक आपका पहला होम पेज रेडी कर लीजिए। जैसे आपका ये होता है तो आप उसको एडिट कैसे करना है, उसमें चेंजेस कैसे करने हैं, ये हम हमारे अगले ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं। तब तक अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है और वीडियो शेयर नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जब मेरा अगला वीडियो लाइव आएगा या जब मैं अपना अगला वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।